Okay, now we'll start with the chapter 2. Spiral. Okay, now chapter 2. First, verify that x equals to 3 is a zero of the polynomial. You can see polynomial is given p of x equals to 2x cube 2x cube minus 5x square minus 4x plus 3. Okay, so x equals to 3 हमें verify करना है इसका zero है कि नहीं. क्या करोगे? हम x की जगह 3 रख देंगे. हाँ रखो and solve. x की जगह पे put 3, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 put करो. यस मैम, और 0 है. प्रांशु बेटा तुम्हारे साथ कौन बैठा है? और कोई नहीं ब्रदर, था मैम वो कुछ काम था इसीलिए वो चला गया. ओके, नाउ x इक्वल्स टू 3 पुट करो. आ गया 0? आ गया. यस मैम. थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 3, तो दिस इज 3 का क्यूब. 3 का क्यूब क्या होता है? 27. सो 27 इनटू 2. डन बेटा सबका. नेक्स्ट क्वेश्चन. 0 आ गया सबका आंसर? यस मैम आ गया. नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ y इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलीनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. अभी देखो तुमको ग्राफ दे रखा है. ग्राफ ये है y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ठीक है बेटा, जिसका कोई टॉपिक मिस भी हो गया है ना वो ध्यान देना इधर, क्योंकि मैं पूरा फिर से कॉन्सेप्ट समझाऊंगी व्हेन वी विल डू स्पाइरल. तो अगर किसी का कोई एब्सेंट था या एनीथिंग हैज हैपेंड एंड कोई टॉपिक छूट गया है तो इधर ध्यान देना. नाउ ग्राफ से भी हम जीरोस बता सकते हैं कि उस ये जो ग्राफ दिया है तुमको इधर, ये कोई पॉलीनोमियल का ग्राफ है. फ्रॉम ग्राफ ऑल्सो वी कैन से के हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर. 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है, कितने जीरो है, राइट? तो यहाँ पे अब एक चीज देखनी है. देखो इधर ग्राफ दिया है, लाइक दिस. ठीक है, इक्वेशन इस ग्राफ का तुमको दे रखा है x इक्वल्स टू p ऑफ y. x equals to p of y. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ध्यान देनी है बेटा. नॉर्मली ना टेक्स्ट बुक में तुमको ऐसे ग्राफ दिए y equals to p of x. In exercise 2.1 हमें ये दिया हुआ है y equals to p of x, मतलब के x एक्सिस पे होता है ग्राफ. ठीक है, और यहाँ पे हमको दिया x equals to p of y. ये y है, y का पॉलिनोमियल है, तो तुम्हें देखना है कि y एक्सिस पे कितने कट हो रही है वैल्यूज. दोनों का डिफरेंस समझना बेटा. 4 वैल्यूज पे कट हो रहा है वाई एक्सिस. ये ग्राफ और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? 4 पॉइंट्स पे, 4 पॉइंट्स पे कट हो रहा है. तो इसके जीरोस हुए 4. क्यों मैंने वाई एक्सिस देखा? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन दिया है पी ऑफ वाई का. और जबकि हमें टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें सब जगह देखना, अपनी टेक्स्ट बुक है तो ओपन करके देखो 2.1, उसमें दिया है p ऑफ x, p ब्रैकेट में x. इसीलिए हम देखते हैं कि x एक्सिस पे कितने कट हुए, वो ग्राफ जो है x एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है. दिस इज p ऑफ y. हम ये देख रहे हैं कि वो y एक्सिस पे कितना कट हो रहा है. ठीक है,
सो क्लियर एवरीबॉडी मैम? हाँ मतलब कि पी के अंदर जो वेरिएबल हुआ उसकी उस पे ग्राफ देखने का। यस एक्स हो या वाई हो उसके हिसाब से। हाँ चलो नेक्स्ट मूव करें। यस मैम। यस मैम। Find the product of zeros. Question number 3. Find product of zeros. क्या करेंगे बेटा? One mark का सम है. Zeros find करके product करोगे? क्या करोगे बोलो? ना अल्फा बीटा find करके उनको multiply करेंगे. Okay. You're not doing your work, I think. घर पे बेटा homework नहीं हो रहा है. Find the product of zeros. हमारे पास product of zero already है. हमारे पास product of zero find करने का formula है बेटा, तभी तो formula बनाया था कि zeros find ही ना करने पड़े. What is the formula? Alpha beta equals to c upon a. अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अभी हमको देखो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स, राइट? पॉलिनोमियल दे रखा है ना हमें, तो हम तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। इसमें तुम जीरो फाइंड ही नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि के वैल्यू है, के तो कैसे लाओगे, तुम्हें पता ही नहीं के की वैल्यू क्या है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। यस नाउ हियर सी की वैल्यू है सिक्स, ए की वैल्यू है माइनस टू, सो इट इज माइनस थ्री। मैंने वो अल्फा बीटा फाइंड करके किया है तो मेरा आंसर माइनस थ्री के ही आया है। बड़ा के की जगह पे क्यों प्लस क्यों किया ना? दिक्कत वाली तो थी नहीं है, तो निवाई के अल्फा पर लगता है। अच्छा तो फुल कर दे मैं। हाँ बोलो बड़ा। बड़ा यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि k है, तो मिडिल टर्म तुम स्प्लिट किस में करोगे? तुम्हारे पास वो वैल्यू तो है नहीं, तो कैसे स्प्लिट हो गया बेटा, और कैसे माइनस थ्री आ गया फिर, जब मेरे पास वैल्यू तो होनी चाहिए कि मेरे को स्प्लिट किस में करना है। आई डोंट हैव दैट वैल्यू ना, सो यू कैन नॉट डू द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट करते आगे। क्वेश्चन नंबर 4। इफ वन ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, क्वेश्चन नंबर 4 हमको पॉलीनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। क्वेश्चन ध्यान से सब रीड कर लो बेटा, फोर्थ वाला। 1 0 is 2 plus root 3. ये बहुत important question है. Find other zero. Now polynomial ये रहा x square minus 4x plus 1. Other zero, one of the zero. मतलब कि zeros कितने होते हैं? ये quadratic polynomial है. इसके zeros कितने होंगे? दो. Alpha and beta. Right? उसमें से एक zero दे रखा है. You take this alpha or beta, जो तुम्हें लेना हो तुम्हारी इच्छा, ठीक है? तो suppose I go with alpha only, ये alpha है. You have to find out the value of other zero. Other zero यानी के beta. चलो, I'll give you time to do it by yourself. Which formulas you can use, whatever thing, whatever idea you have. Okay, do it and then tell me. You have to find out beta. तुम्हें अल्फा दिया हुआ है बेटा और बीटा फाइंड करना है।
अल्फा दिया है एंड बीटा फाइंड करना है। कैमरा सबका मेरे को ऑन चाहिए बेटा, मेरा दिमाग खराब हो उसके पहले सबके कैमरा ऑन होने चाहिए। रोनित बेटा बार बार नहीं बोलना पड़ेगा मेरे को, मैम बोलो साक्षी। मैम मेरा ना नेटवर्क इशू है ना, तो वीडियो कर तो बार बार दिख नहीं रही है इसलिए। क्या क्या मैम? मेरा नेटवर्क इशू है ना, तो स्क्रीन मतलब वीडियो ऑन करे तो स्क्रीन ब्लर दिख रही है इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। अच्छा ठीक। रोनित वेयर इज रोनित? रोनित स्माइली, खुशी गुप्ता, देव प्रजापति, बेटा मेरे को ऐसे एक एक नाम नहीं लेने पड़ने चाहिए ना। ओके चलो रोनित मुझे बताओ बेटा, अल्फा दे रखा है बीटा कैसे फाइंड किया? रोनित बाकी मैम। अरे तुम बताओ उसे, बड़े वैल्यू मत बताओ, व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज, यू जस्ट टेल मी दैट। रोनित फॉर्मूला बताओ बेटा, सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? मैम डन। रोनित आई एम आस्किंग यू। यस सर। कौन सा? रूबिल बेटा स्पाइरल जब चलेगी ना तब ये यही होगा, मेरे को सिर्फ नहीं करना है, चैप्टर इज ओवर नाउ, यू विल आंसर मी। मैं आंसर चैट कर सकता हूँ? हाँ ध्रुविल। मैं मुझे कह रहे हो? हाँ ध्रुविल बोले, बोलो बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्रुविल आई एम आस्किंग यू। ओके सो हियर अल्फा इज गिवन, बीटा हमें फाइंड करना है, सो वी विल यूज, यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूलास, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए इससे भी आएगा और अल्फा बीटा इंटू सी बाय ए इससे भी आएगा, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों से ही आंसर आएगा। आई थिंक द इजियर वन विल बी दिस, अल्फा की वैल्यू रखो 2 + √3, बीटा हमें फाइंड करना है माइनस बी, बी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है? सो दिस विल बी 2 + √3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, सो वैल्यू ऑफ बीटा जिसमें 2 और रूट 3 दोनों उस साइड चले जाएंगे, सो 4 - 2 - √3 दैट इज 2 - √3, ये हो गई बीटा की वैल्यू, दैट इज योर अदर जीरो, सो दिस इज योर अदर जीरो। यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, मैंने फर्स्ट वाला यूज किया, तुम सेकेंड वाला यूज करके भी लाओगे आंसर विल बी सेम, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। मैम मैंने तो दूसरे आंसर से किया से, तो मतलब कि दूसरा आंसर आया तो अभी मेरा आंसर राइट आ रहा है, दूसरा आंसर आया तो भी आंसर राइट आ रहा है, x की जगह में वैल्यू पुट करी, क्या किया? नहीं मैम आपने जो आंसर लाया बीटा का, जैसे 2 - √3 मेरा आंसर 1/2 - √3 था, तो अभी मैंने रखा तो भी आंसर सेम होगा, बट उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा बेटा। मैम मैंने किया था। हाँ
तो एस रूट थ्री आ ही जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा आंसर आएगा 1/2 + √3। इसको रैशनलाइज करो, आंसर आ ही जाएगा 2 - √3। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्क्स कट जाएंगे। मैम किया था रैशनलाइज, तो 2 - √3 आएगा ना। तुम मेरे को आंसर 1/2 क्यों बोल रहे हो फिर? क्योंकि मैम अगर हम मल्टीप्लाई वाली मेथड से जाते तो मैम वो ही आएगा ना आंसर। तो रैशनलाइज तो करो, वही तो बोल रही हूँ मैडम, आंसर ये आएगा 1/2 + √3। अब इसके आगे रैशनलाइज तो करो, तुम रैशनलाइज नहीं किया ना तुमने। इसके जब तुम्हारा आंसर आएगा β = 1/2 + √3, इसको इसके आगे परफॉर्म करना है तुम्हें। Yes, ma'am, rationalize करता है। इसके बाद इसको जब रैशनलाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 - √3। रैशनलाइज तो करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अल्फा बीटा ऑफ अ पॉलीनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, देन राइट द पॉलीनोमियल। राइट, वी जस्ट डिस्कस द फॉर्मूला टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हाँ धैर्य, बोलो बेटा। मैम आंसर बोल दो सीधा। हाँ बोल दो। x² - 10x + 6 is the polynomial. To form a quadratic polynomial, जब भी तुम्हें quadratic, एक ही formula है बेटा, quadratic polynomial बनाने का सिर्फ एक ही formula है। x² - sum of zeros मतलब alpha plus beta into x plus alpha beta। अब तुमको यहाँ पे directly दे दिया है, यहाँ पे directly तुमको दे दिया है कि alpha plus beta की value 10 है, रख दो, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, रख दो आंसर। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नाउ अपने नोट में, नोटबुक में जहां ये सम कर रहे हो, ठीक है, उसके आगे एक एक्सटेंशन क्वेश्चन में ऐड करो। तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जैसा अभी दिया है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो सच दैट अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू दी है, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड Also find the zeros of the polynomial. ऐसा question आगे आ सकता है। Also find zeros. मेरे पास alpha plus beta है, alpha beta है। Alpha और beta अलग अलग values नहीं है, ठीक है। इस question में इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि ये splitting middle term हो नहीं रहा है। जैसे 6 है, 6 के factors निकालो 10 आए, नहीं होगा, इसीलिए पूछा नहीं है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे इधर 4 और इधर 4, 4x + 4 ऐसा दे दिया, x² - 4x + 4 ये तुम्हारा पॉलीनोमियल आया, तो उसके आगे वो लोग पूछेंगे कि फाइंड द जीरोस। तो तुम्हें कैसे फाइंड करना है वो, फिर स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स में अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। चेक whether 3x - 7 इज अ फैक्टर। अब देखो बेटा, 3x - 7 तुम ये x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर डिवाइड करना है, नाइंथ में करते थे। हाँ इसमें डिवाइड करना है ना, वही बोल रही हूँ बेटा, वही बता रही हूँ। चेक वेदर 3x - 7 इज अ फैक्टर, चेक करने को बोला है। अब ये चीज ना खास ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे ना चेक करने को बोला है, मतलब ये जीरो हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। 3x - 7 है, तुम इसमें से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो और पॉलीनोमियल में पुट कर सकते हो, or you can do the long division, okay? So you can go with the long division as well. So ye khud karna hoga homework mein. Question number 7. Show that x = -2 is a zero of the polynomial. Ab isme na bada ek correction karna hai. Sirf main yahan pe kar deti hu. To main yahan pe ye plus ki jagah pe minus hai. ये अपने स्पाइरल में भी कर लेना करेक्शन। x² + 13x - 14 होगा वो, जस्ट x की वैल्यू -2 पुट कर दो, चेक करो जीरो आता है कि नहीं। x की जगह पे अब देखो, ये शो दैट है, दिस इज शो दैट, मतलब जीरो आएगा ही आएगा, कंपल्शन है, शो दैट प्रूव है। कोई भी चीज को प्रूव करने को बोलते हैं मतलब वो है तभी बोल रहे हैं वो तुमको, तो वो उसमें आएगा ही जीरो। नेक्स्ट, अपने -14 लिखा। हाँ, -14 मैंने करवाया है बेटा, वो करेक्शन है, क्योंकि अगर +14 होगा ना तो आंसर नहीं आएगा। आ रहा था आंसर?
यस मैं प्लस 14 में आ रहा हूं। प्लस 14 है। आ रहे कि मैं मिस्टर माइनस से तो मतलब कि आंसर चेंज होगा नहीं आंसर नहीं इसमें जीरो आना चाहिए मेरे ख्याल से माइनस टू का स्क्वायर फोर थ्री जा ट्वेल्व एंड माइनस थर्टी ट्वेंटी सिक्स अच्छा बात हो रहा है मेरे को किसी स्टूडेंट ने बोला था मैंने चेक ही नहीं किया ठीक है फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी हाँ करेक्ट है तो कोई करेक्शन नहीं है मैम लेकिन माइनस में भी जीरो आ गया क्या बेटा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 14 में भी जीरो तो आ ही गया ना नहीं आएगा ना बेटा उसमें नहीं आएगा फिर क्योंकि 12 माइनस 14 माइनस 2 हो जाएगा तो जीरो कैसे आएगा प्लस 14 में ही आएगा जीरो माइनस 14 कर दोगे तो 12 माइनस 14 होगा ना वो तो माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2 माइनस 26 माइनस 28 आएगा उसका आंसर नहीं आएगा मैम आ गया जीरो ओके बेटा तो कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है सेवेंथ में नाउ फिर से एफ ऑफ वाई सी हियर अगेन इट इज वाई ठीक है तो हमें देखना है वाई एक्सिस पे फाइंड द जीरोस एंड नंबर ऑफ जीरोस सी दिस बोथ थिंग इंपॉर्टेंट तुम्हें फाइंड करना है जीरो की वैल्यू यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस And how many zeros are there? Dono. So, dekho, idhar ye hua first. Ye hua second. Am I done my answer? Ye third. Ye fourth. Maro answer I give. Haan, beta Gujarati nahi bolni hai. To ye ho gaye four zeros. Ye ho gaye four zeros, right? Now, number of zeros are four. You have to also find the values of those zeros. तो देखो इधर क्या लोगे बेटा y एक्सिस है ना तो सारे y कोऑर्डिनेट उसके आंसर्स होंगे जीरोस होंगे y पे है ना इसीलिए y कोऑर्डिनेट x पे होगा तो x कोऑर्डिनेट ये आंसर है ये इसका फाइंड द जीरो बोला है ना उसका आंसर फाइंड द जीरो तो व्हाट आर द जीरो जीरोस आर 4 1 0 माइनस 2 क्लियर एवरीबॉडी Yes, ma'am. Yes, ma'am. For what value of k is 3 a zero of the polynomial? For what value of k is 3? Just put kar do yahan pe 3 ki value aur k find kar lo kya aa raha hai. Karo fatafat. Just put the value x ki jagah pe 3. Minus 21. Minus 21. X ki jagah pe 3 put karna hai beta. 21 x square plus x plus k 21 21 okay 21 minus 21 के 21 minus 21 होगा बेटा minus 21 minus 21 yes minus 21 next okay very important sum find the zeros of अब ऐसे सम्स ओनली आई वाज टॉकिंग व्हेन जब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे थे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हम 9th स्टैंडर्ड में इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ठीक है तो 9th स्टैंडर्ड तक भी इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 10th स्टैंडर्ड में बेटा अगर पूछेंगे ना तो या तो रूट होगा या फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा ठीक है सो नंबर्स जो है वो थोड़ा लेवल जो है वो उसका इंक्रीज होगा मोस्टली रूट्स ही होता है So, find the zeros root 3x square 10x plus 7 root 3. Root 3x square plus 10x plus 7 root 3. अब देखो इसमें procedure वही है पूरा का पूरा last term, first term multiply. Same procedure, okay? So 7 root 3 multiply root 3. That is 7 into 3, which is 20. 21. Now, ye tumhare factors nikal rahe tum iske. Factors of 21. Kya hota hai 7 into 3?
3. मिडिल टर्म क्या है 10, विच इज 7 प्लस 3. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज. ये मैंने इंटरचेंज सिर्फ कन्वीनियंस के लिए किया है. 7 इधर और 3 इधर, ठीक है, तुम दोनों कर सकते हो, उसका रीजन मैं बताती हूँ. अब फर्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट टू टर्म्स कॉमन निकालेंगे. अब मैंने बेटा वो इंटरचेंज इसीलिए किया क्योंकि अगर 3 इधर होता ना तो तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इधर 3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट 3 कॉमन निकलता, ठीक है. बट मैंने 7 लिखा है तो इधर कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय x के, ये दोनों टर्म है, ओनली x इज कॉमन. सो रूट 3x प्लस 7, रूट 3x प्लस 7, ओनली x इज कॉमन. और यहां पे क्या कॉमन निकलेगा, इधर भी तो रूट 3 तो सोचना ही पड़ेगा. यहाँ से क्या मिसिंग है ये दोनों टर्म्स में से, जैसे 7 रूट 3 है और इधर सिर्फ 7 है. मैम रूट 3 कॉमन निकलेगा, रूट 3 कॉमन है. ओके, so your splitting middle term is done. so many times ऐसा भी होगा बेटा कि बीच में रूट आएगा, इधर इधर रूट आएगा, उसके सम्स की प्रैक्टिस करेंगे हम. यहाँ बीच में रूट आएगा, यहाँ नहीं होगा रूट, यहाँ भी नहीं होगा रूट, मिडल में होगा रूट. वो आगे फर्दर चैप्टर्स में भी आने ही वाला है, so we'll practice at that time. done बेटा. पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x² 24x प्लस 36 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. Question number 11. P of x equals to 4x² 24x plus 36. चलो मेरे को कोई बताएगा इसे कैसे करें हम splitting में. मैम 12 into 12 and 12 plus 12. पर common निकाल ले तो नहीं चलेगा क्या? Zero zero find कर रहे हैं. जितना common निकल जाए उतना हमारे लिए बेनिफिट है. तो कैन यू सी एनी नंबर कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकालने का सिर्फ एक ही रीजन है, कॉमन निकल जाएगा तो नंबर्स के बड़े बड़े छोटे हो जाएंगे. तो कॉमन इज 4. मैथ्स लास्ट आंसर सेम ही रहेगा ना दोनों में? आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है. तो कॉमन इज 4. तो 4 के साथ मल्टीप्लाई तो चला गया नीचे, तो हो गया 0. कितना छोटा इक्वेशन हो गया देखो, ये इतना बड़ा था 4x² 24 36. नाउ इट इज ओनली x² 6 and 9. नाउ इट इज वेरी मच इजी फॉर यू टू स्प्लिट. 9 के फैक्टर्स निकालो 6 आ जाए, एक ही तो फैक्टर होगा. 3 into 3 3 into 3 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
अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री और बीटा की वैल्यू भी माइनस थ्री। जितना जब तक हमें इजी वे दिखता हो तो वही करते। मैम ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे आ गए? अरे बेटा वो मैंने डायरेक्ट किया है, तुम करो ना। वो जब इधर कोएफिशिएंट 1 होता है ना, अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 होता है तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 × 3 जो मेरे को 6 लाना है, तो 3 + 3 करके ही 6 आएगा। तो 3 + 3 दोनों प्लस में ही है, तो ऐसे ही फैक्टर आ जाते हैं।
खाली आगे एक्स एक्स लिखना है, बट ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब इधर कोएफिशिएंट वन हो इसका, तो वरना तो इसीलिए डायरेक्टली अगर जैसे इधर फाइव लाना होता तो थ्री टू होता, अगर सिक्स होता तो थ्री प्लस टू होता, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू हो जाता, थ्री माइनस टू होता तो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू हो जाता। हाँ वेरीफाई करना है तो तुम एबीसी जो है इसका भी ले सकते हो, क्योंकि वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए, सो यू कैन गो विद दिस ए बी एंड सी, और यू कैन गो विद दिस वन आल्सो रिड्यूस वाला, एनी पॉलीनोमियल विल डू, ओके आंसर विल बी सेम, वेरिफिकेशन दोनों में हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट जो क्वेश्चन में दिया है सीधा उसी का एबीसी लेने का, हमेशा क्वेश्चन में जो दिया हो ना उसका ही एबीसी, मतलब वो इक्वेशन ही लेने का ए बी और सी के लिए,